नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी चल रही होगी बढ़िया, रीट की तैयारी या फिर आप सीटेट की, एचटेट की, किसी भी तैयारी को कर रहे हैं आप किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए। तो साइकोलॉजी जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है। साइकोलॉजी जो है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अभी जो वर्तमान में भर्ती आ रखी है हमारे लिए रीट राजस्थान के लिए, इसमें एक टॉपिक हमारा ये है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उनके जीवन के संबंध में कुछ बातें भी हमें पता होनी चाहिए। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, किस देश से वो संबंध रखते हैं और मनोविज्ञान के संबंध में उनका क्या योगदान है, ऐसे इन बातों से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हैं अब वो रीट परीक्षा में यहाँ पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सिलेबस देख लीजिएगा तो वहाँ पर है प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनका शिक्षा मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान में योगदान। तो उसी क्रम में आज हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुकरात की। सुकरात जिनका समय था 469 से 399 BC। BC का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, हिंदी में हम इसको ईसा पूर्व भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, BC का मतलब जो है इसको हम हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। तो ये जो थे सुकरात, ये यूनानी थे, यूनान देश से संबंधित रखते थे, ग्रीक थे। इनमें इनका जो मनोविज्ञान में योगदान है, इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षण की बात कही थी। तो प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, तो ये सुकरात हमारा आंसर बनेगा। और इनका जो समय था 469 से 399 BC, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यूनानी थे और ग्रीक थे। हम कह सकते हैं ग्रीक या लैटिन भाषा एक ही भाषा को कहा जाता है। कई बार स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि ग्रीक है या ग्रीक है या लैटिन है या यूनानी, तो ये तीनों एक ही चीज होती है। तो ये सुकरात थे, इनके एक शिष्य थे जिनको कहते हैं प्लूटो। प्लूटो जो है ये सुकरात के शिष्य थे। तो इनका समय है 427 से 348 ईसा पूर्व, या इसको BC कह दीजिए। सुकरात के शिष्य थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सत्य का साक्षात्कार। सत्य का साक्षात्कार जो कराए वही शिक्षा है, इनका ऐसा मत था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जो सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार। यानी कि इनके दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है, शिक्षा वही है जो सत्य का साक्षात्कार कराए, वही शिक्षा है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो शिक्षा के संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अपनी अपनी उन्होंने अपनी बातें कही हैं। शिक्षा के संबंध में किसी ने शिक्षा को क्या बताया, किसी ने शिक्षा को क्या बताया, तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा का जो मेन पर्पज है, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो सत्य का साक्षात्कार है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा प्रणाली में अनुकरण का विशेष महत्व होता है, ये भी इन्होंने ही बताया था। इसमें शिक्षा प्रणाली में अनुकरण का जो है महत्व, तो वो भी बताने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे स्टूडेंट्स, ये भी थे कौन, प्लेटो। इसको ऊपर ले जाते हैं अपने। यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी प्रमुख पुस्तक की। तो स्टूडेंट्स, इनकी प्रमुख पुस्तक जो थी वो रिपब्लिक थी। रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन थे ये पूछा जाए तो प्लूटो होंगे। और प्लूटो किसके शिष्य थे, सुकरात के। समय क्या था, 427 से 348 ईसा पूर्व सुकरात के शिष्य थे। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सत्य का साक्षात्कार। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया था इन्होंने। और इनकी प्रमुख पुस्तक थी स्टूडेंट्स रिपब्लिक। रिपब्लिक इनकी प्रमुख पुस्तक थी। चलिए, इनके शिष्य की हमने पहले सुकरात की बात की। सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। तो अब अपने बात करने वाले हैं अरस्तु की। चलिए आगे बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु जो हैं उन्होंने भी शिक्षा के संबंध में बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। तो उनका शिक्षा में क्या योगदान है उनकी बात करते हैं अब अपने। अरस्तु, अरस्तु जिनका समय जो है वो 384 से 322 ईसा पूर्व का है और ये प्लूटो के शिष्य थे। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी इन्होंने कहा था। अरस्तु किसके शिष्य हैं, प्लूटो के। और प्लूटो किसके शिष्य हैं, सुकरात के। तो प्लूटो के शिष्य हैं अरस्तु, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान के संबंध में इनका योगदान जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि मनोविज्ञान पहले मनोविज्ञान नहीं था, पहले दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र के
तहत एक टॉपिक था मानसिक दर्शन। दर्शन शास्त्र जो विषय था वहां पर एक टॉपिक था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में कौन सा टॉपिक था? मानसिक दर्शन। तो मानसिक दर्शन में जब इन यूनानियों की रुचि बढ़ी मानसिक दर्शन, तो यहीं से उदय होता है किसका? मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान के संबंध में सबसे पहला मत देने वाले मनोवैज्ञानिक भी कौन थे? अरस्तु थे। और इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। ये बात अलग है कि बाद में कुछ और मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने मनोविज्ञान को अपने अपने हिसाब से बताया। बट इनके मत को खारिज होने का क्या कारण था अगर अपने कहें तो, ये जो अरस्तु थे या जो यूनानी दार्शनिक थे, ये आत्मा के रंग रूप आकार और स्वरूप को नहीं समझा सके थे, इसलिए मनोविज्ञान के संबंध में ये मत जो था वो खारिज हो गया था। तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के जनक अगर पूछा जाए आपसे तो वो अरस्तु हैं। समय था इनका 384 से 322 ईसा पूर्व। प्लूटो के शिष्य थे, प्लूटो सुकरात के शिष्य थे, और ये मनोविज्ञान के जनक थे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले भी अरस्तु ही थे। चलिए आगे अगर अपने बात करते हैं तो हम बात करेंगे रूसो की। तो स्टूडेंट्स, रूसो जिनका क्या योगदान है? रूसो जिनको शिक्षा मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। रूसो रूस के थे, जबकि पहले जो हमने देखे सुकरात, प्लूटो या अरस्तु, ये सब यूनान के थे। ये वो यूनानी दार्शनिक थे। रूसो रूस के थे। इनका समय था 1722 से और 1778 ईस्वी तक। 1712 सॉरी 1712 में इनका जन्म हुआ था, 1778 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। शिक्षा में मनोविज्ञान लाने के प्रवृत्ति का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ये सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा गया था कि शिक्षा में मनोविज्ञान, पहले शिक्षा अलग थी और मनोविज्ञान अलग थी, यानी कि शिक्षा अलग चलती थी और मनोविज्ञान अलग था। शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है अगर ये पूछा जाए? और यानी कि शिक्षा के अंदर जब मनोविज्ञान लाया गया तो क्या बन गया? शिक्षा मनोविज्ञान। तो सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन इनके संबंध में पूछा हुआ है कि शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, या शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान लाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, रूसो ने एक एमिली नामक की पुस्तक लिखी थी, और एमिली पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। ये कथन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एमिली नामक की पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन रूसो का है। इन्होंने एमिली नाम की पुस्तक में ये कथन हमें बताया था। एमिली नाम की जो पुस्तक है और बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ये कथन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इन्होंने जो एमिली नाम की पुस्तक लिखी थी उसमें एक एमिल नामक बालक और सोफी नामक बालिका की शिक्षा अवस्था का वर्णन किया था। ये स्टूडेंट्स, एमिली जो बुक थी इसमें इन्होंने एमिल एक बालक का नाम था एमिल, और एक बालिका थी सोफी। सोफी बालिका का नाम क्या था? सोफी, और बालक का नाम था एमिल। इन दोनों कैरेक्टर्स की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन इन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। इनकी अगर अपने और बात करें तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी एमिली के अलावा भी लिखी थी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तो ये लिखी थी, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी सेकंड डिस्कोर्स, यहां पर लिख रहा हूं मैं, चलो यहां लिख देते हैं सेकंड डिस्कोर्स। सेकंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स सेकंड डिस्कोर्स, CoURSE, सेकंड डिस्कोर्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिली, ये पुस्तकें जो हैं रूसो के द्वारा लिखी गई थी। कैरेक्टर एमिली में कौन थे? एमिली नाम की जो पुस्तक लिखी थी इसमें कैरेक्टर कौन थे? एक तो एमिल था, ये बालक था, सोफी बालिका थी। इनकी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन जो है इन्होंने इस पुस्तक में किया था। और ये कथन, फिर मैं बता रहा हूँ कि बालक एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ये कथन जो है इंपॉर्टेंट है, किसका कथन है ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। हमारे रीट के सिलेबस की बात करें फिर बता दूं कि रीट में प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, ये टॉपिक भी है, और प्रमुख
लोग दार्शनिक ये टॉपिक भी है, तो अपने को ये जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं है छोटा सा टॉपिक और लेकिन है बहुत काम का। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम थॉर्नडाइक की, हम किसकी बात कर रहे हैं, ई एल थॉर्नडाइक। तो ये ई एल थॉर्नडाइक जो हैं इनके संबंध में बात करें, इनको फोटो के ऊपर ही ले चलते हैं इसको। यहाँ पर ई एल थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक का जन्म 1874 को हुआ था और 1949 में इनकी डेथ हुई थी। स्टूडेंट्स इनके संबंध में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो थॉर्नडाइक थे ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। क्या हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको माना जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगर अपने से ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो ई एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो पशुओं पर प्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक थे। हालांकि 1904 में अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि अधिगम के सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो निश्चित रूप से शास्त्रीय अनुबंधन है, जो कि पावलोव के द्वारा 1904 में दिया गया था। अधिगम के सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन है, जो पावलोव के द्वारा दिया गया था और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक ये बात पूछी जाए तो वो है ई एल थॉर्नडाइक। और स्टूडेंट्स ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। रूसो रूस के थे और सुकरात प्लूटो अरस्तु वो यूनान के थे। ई एल थॉर्नडाइक ये अमेरिका के थे। और प्रथम विश्व युद्ध के समय आपने बुद्धि में अल्फा और बीटा बुद्धि परीक्षण जो पढ़े हैं वो इनके द्वारा ही अमेरिका में बनाए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय वयस्कों की बुद्धि के परीक्षण हेतु जो अल्फा और बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया था वो भी ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था, क्योंकि अमेरिका में ही ये परीक्षण हुए थे, अल्फा और बीटा परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय। तब उस समय जो सैनिकों की भर्ती के लिए बुद्धि परीक्षण हुए थे, अल्फा और बीटा परीक्षण कुछ पढ़े लिखों के लिए और कुछ अनपढ़ों के लिए। अल्फा परीक्षण जो था वो शाब्दिक परीक्षण था और बीटा अशाब्दिक था। अल्फा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए था और बीटा अनपढ़ लोगों के लिए था, जो इनकी सेना में भर्ती की जानी थी। तो ये परीक्षण तैयार करने वाले भी ई एल थॉर्नडाइक ही थे। आगे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, फिर इन महाशय को यहाँ से हटाना पड़ेगा, अपने इधर ले आते हैं। अधिगम के संबंध में प्रयास और त्रुटि एवं प्रयत्न और भूल सिद्धांत किसने दिया, अगर ये पूछा जाए तो स्टूडेंट्स ये भी ई एल थॉर्नडाइक ही थे। इन्होंने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न और भूल सिद्धांत, संबंधवाद, बंध सिद्धांत, ये सारे हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि रीट के संबंध में प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, ये भी टॉपिक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये किसने लिखा था, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये लिखा था किसने, थॉर्नडाइक ने। ये बुक थी इनकी। और द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी थॉर्नडाइक ने। और एनिमल इंटेलिजेंस ये भी इन्होंने लिखी थी, द टीचर्स वर्ल्ड बुक और द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, स्टूडेंट्स थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। और इसमें ये इनको जो है पशु मनोविज्ञान का पितामह भी कहा जाता है इनको। एक और भी प्रश्न बन सकता है, पशु मनोविज्ञान जो है, पशु मनोविज्ञान का पितामह जो है, पितामह इनको कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी यही हैं और शिक्षा पशु मनोविज्ञान का पितामह भी इनको कहा जाता है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें आपको याद रखनी है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया वो। और ये तो बात आपको याद ही होगी कि अधिगम के संबंध में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। और जो बॉक्स था जिसमें ये प्रयोग किया गया था वो क्या था, वो पजल बॉक्स था। उसको हम पजल बॉक्स कहते हैं या फिर हम उसको उलझन पेटी का भी कहते हैं, उलझन पेटी का भी कहते हैं। तो उलझन पेटी का हो या पजल बॉक्स हो, इन पर इन्होंने प्रयोग किया था।
थोंडाइक के संबंध में जो हम याद करने वाली बातें हैं वो तो एक तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी थे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो कौन है? अरस्तु। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है इनको माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं। तो ये चार पांच 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 प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके संबंध में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इन पांच मनोवैज्ञानिकों की बात की है। अगली क्लास में फिर हम पांच महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे। फिर अगली क्लास में ऐसे हम 20-25 मनोवैज्ञानिक और उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, और ये सारी चीजें आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल जो कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।